सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस, अगर आप लोग भी इस तरीके की फोटो एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत बोलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसमें करना है कि आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो पहला मॉडल जो होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा, तो आपको पहले उसको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको अपने इस मॉडल को यहाँ पे कुछ इस टाइप से खड़ा कर देना है, ठीक है? इस बॉक्स के ऊपर जो ये फायर जहाँ पे हो रखा है वो सिंपली वहाँ पे खड़ा कर देना अपने मॉडल को। एंड गाइस देख लेना आपको कि किस साइड पे आपको अपने मॉडल को मतलब कि सेट करना है, ठीक है? उस जगह पे आपको इस तरीके से ऐसे लगा देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे इतना हो जाएगा जब, तो आपको यहाँ पे देखना मॉडल आपका एकदम सही से लगा है कि नहीं लगा, ठीक है? तो अभी इसको जो है हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, अब इतना यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आपको अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से एक आपको पाइप का पीएनजी लेना है, ठीक है? इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको फुल स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद अगर आपका मॉडल का साइज़ अगर सेम यही होगा तो ये इजीली आपके हैंड के पास एकदम फिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है, इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद इरेजर लेना है, इसको जो हार्डनेस फुल करना है, साइज़ छोटा करना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद जो आपको उसको सिंपली इरेज कर लेना है। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो को क्या करना है, यहाँ पे कर लेना डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे दूसरा मॉडल को ऐड करना अपना, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बोला था दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी आपको, तो दूसरे मॉडल को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड दूसरे मॉडल को ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली कुछ स्टेप से ऐसे जो है नीचे की तरफ ऐसे मतलब कि फॉल डाउन कर देना, मतलब कि आपका जो मॉडल है वो गिर रहा हो ऐसा दिखाने के लिए, ठीक है? फिर इतना हो जाने के बाद जो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने मॉडल के ऊपर तो यार फायर भी लगाना अभी दूसरे वाले के ऊपर, तो उसके लिए करना आपको सिंपली यहाँ पर डन करना फोटो को, ठीक है? पहले तो उसका ना आप एडजस्टमेंट देख लेना कि अगर इसमें शेडो वगैरह सही है तो ठीक है, वरना जैसे कि मॉडल में नहीं है मेरे, तो इसको मैं थोड़ा शेडो इंक्रीज कर लूँगा। अदरवाइज उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। ओके, सो इतना हो जाने के बाद जो आपको दोबारा हेड फोटो में जाना है। हेड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको फायर का पीएनजी ऐड करना है। अब गाइस इस पीएनजी को कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसको आपको अपने पैरों के पास कुछ इस टाइप से लगाना है, ठीक है? अभी गाइस इसमें एक पीएनजी और लगाना है फायर का, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। तो अभी देखिए गाइस हमने इसको लगा लिया, अभी इसको हम डन करते हैं। अब गाइस इसके बाद हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइस ऐड करेंगे हम दूसरा पीएनजी फायर का। अब गाइस इसको ऐड कर देने के बाद जो आपको यहाँ पे सिंपली ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको स्क्रीन कर देना है, एंड फोटो को आपको जूम करना है, एंड कुछ इस टाइप से जो आपको उसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करके। एंड उसके बाद जो आप वहाँ पे इसका जो थोड़ा सा इसका जो मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसको थोड़ा ठीक कर लेना है, ठीक है? तो हम कॉन्ट्रास्ट को जाके जो है ऊपर से प्लस कर देंगे, एंड इसके बाद इतना परफेक्ट है, आप डन करते हैं इसको, ठीक है? इतना हो जाने के बाद जो अभी हमें जो फायर का पाइप पीएनजी लगाया था दूसरे मॉडल के ऊपर, उसमें हमें एक फायर का पीएनजी भी ऐड करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं ऐड फोटो में, एंड उस पीएनजी को भी ऐड करते हैं यहाँ से। तो इतना परफेक्ट है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको स्क्रीन करना है, तो स्क्रीन कर लेंगे। एंड उसके बाद जो हम सिंपली इसके पाइप के पास कुछ इस टाइप से लगा देंगे कि मतलब इसमें से फायर निकल रहा है, जो हमारे मॉडल दूसरा मॉडल है उसके ऊपर फायर लगाइए, ठीक है? तो उसका डन करते हैं। अब इतना हो जाने के बाद जो है गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे करना है, अब यहाँ पर अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो इसको हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस लाइट रूम ऐप में जाके आपको सो पहले तो इसका कॉन्ट्रास्ट आपको प्लस करना है, हाईलाइट जो है गाइस इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लस कर देना है, एंड जो शेडो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको प्लस कर देना है, ब्लैक को भी थोड़ा प्लस कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देनी है, टेम्परेचर जो उसको कम कर देना है, एंड जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, आपको सैचुरेशन प्लस करना है। फिर उसके बाद जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको इसका जो ह्यू है आपको उसको थोड़ा प्लस करना है, सैचुरेशन को प्लस करना है, एंड उसके बाद आपको कर देना है इसे डन।
इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो विगनेट है वो डाल देना है अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको वहाँ पे मिला ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड देन आपको नीचे वाले टूल में फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।